हम लोग पढ़ चुके हैं कि भोजन जो है सभी जीवों के लिए आवश्यक है, और भोजन के क्या होते हैं, विज्ञान में भोजन के जो पार्ट होते हैं या भोजन में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं एक सजीव के लिए, वो क्या कहलाते हैं, ये हम लोग कक्षा छः में पढ़ चुके हैं। जैसे उनके आप लोग पढ़े हैं जिसको हम भोजन के घटक भी जानते हैं, जैसे इसको भोजन के घटक भी कहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, प्रोटीन, वसा है, और खनिज लवण है, खनिज लवण। ये सभी चीजें जो हैं भोजन के घटक बोले जाते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि भोजन के घटक यही चीजें हैं। ये भोजन के घटक बोले जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, और भी होते हैं आदि, ये भोजन के घटक कहलाते हैं। इन्हीं को हम पोषक तत्व भी कहते हैं, पोषक भी कह सकते हैं, इन्हीं को पोषक भी कहते हैं, जो हम लोग कक्षा छह में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि पादपों में पोषण कैसे होता है। तो पहले हम आपको पाठ के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि पाठ के बारे में जानिए कि पादपों में पोषण, सबसे पहले हम पादप को बताना चाहेंगे कि पादप किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है या नहीं समझ पाते हैं किसको हम कहते हैं। तो पादप जो है आपका, सबसे पहले जो है पूरी जो प्रकृति है उसमें दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है, जैसे हम पदार्थों का बंटवारा करना चाहें, पदार्थ, तो पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका निर्जीव, और एक होता है सजीव। एक होता है सजीव, एक निर्जीव होता है, एक सजीव होता है। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब दो प्रकार के पदार्थों में जो सजीव पदार्थ होते हैं, इसके मुख्य रूप से विज्ञान में दो पदार्थों में, इसको दो रूपों में या दो जीवों में बांट दिया जाता है। इसी को सजीव भी कह सकते हैं, इसी को जीव भी कह सकते हैं। ठीक, तो जीवित पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, सजीव पदार्थ। अब सजीव पदार्थ जो है दो प्रकार के हैं, एक आपका जंतु है और एक आपका है पादप। पादप, जंतु और पादप। अब पादप जो होते हैं, छोटे पौधे हों चाहे बहुत बड़े पौधे हों, उन सबको हम पादप की श्रेणी में ही रखते हैं। अब यही पादपों में आप किसी को बोल सकते हैं कि ये जो है एक, इसी में आपका झाड़ी हो जाएगा, झाड़ी, वृक्ष, वृक्ष हो जाएगा और लता हो जाएगी। ये पादप जो है तीन प्रकार के भागों में बढ़ जाते हैं, एक झाड़ी है, वृक्ष है, लता है। जैसे झाड़ियों में जो 1 मीटर के लमसम रहते हैं, 1 से 1.5 मीटर के वृक्ष, ये 2 मीटर से ऊंचे होते हैं,
लताएं होती है। मैंने ये मुख्य रूप से इतना ही हम जानने का प्रयास करें कि आपका ये पादप क्या है। तो जंतु अब आप जान चुके होंगे, ये छह में पढ़ चुके हैं, और हम जानने का यही प्रयास किए हैं कि आखिर इस पाठ में बताया क्या गया है पादपों में पोषण, पादपों में पोषण कैसे होता है। तो पहले तो हम पादपों को जानने का प्रयास करें कि आखिर पादप क्या होता है, तभी हम जान सकते हैं कि पोषण क्या होगा उसमें। तो पादप हम जान चुके हैं कि जो पदार्थ होता है, तो इस धरती पर दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक निर्जीव है एक सजीव है। तो जो सजीव होते हैं उसमें जंतु हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, हम लोग जंतु ही की श्रेणी में ही आते हैं। और पादप जो आप लोग वृक्ष देखते हैं, ये सब देखते हैं, छोटे पौधे देखते हैं, ये सब पादप की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये है कि पादपों में पोषण कैसे होता है। कक्षा छः में हमने भोजन के घटक पढ़ा, कुछ उसके बारे में पोषण के बारे में पढ़ा। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि पादप हो गया, अब पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में थोड़ा जान जाए तो डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। पोषण क्या है, पोषण क्या होता है। तो जो हम भोजन करते हैं और भोजन करके जब हमारे शरीर में वो जाता है, तो भोजन से हमें पदार्थ मिलते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और दूसरा चीज है कि हमको ऊर्जा भी उसी से मिलता है। तो पोषण एक विधि का नाम है। जो हम लोग जंतु हों चाहे कोई भी सजीव है, तो भोजन को ग्रहण करे, ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग करे। तो ये जो विधि होती है भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण जिसको बोला जाता है, अपने अंदर ले जाना और उसको उसमें से उसको उपयोग करना, उस भोजन से क्या अच्छे पदार्थ हैं क्या खराब पदार्थ हैं उनको शरीर छाटता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों की पूर्ति भोजन से होती है, ये जो विधि होती है उसको कहते हैं हम पोषण। ये होता है पोषण। एक चीज और जानने का हम प्रयास करेंगे कि ये जो पादपों जो ये बारे में पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं में और पादपों में कुछ बहुत विशिष्ट अंतर भी हैं। सबसे विशिष्ट अंतर तो यही है कि जो पादप होते हैं प्रकृति ने उनको भोजन बनाने की क्षमता दिया है। हम लोग जो है भोजन को कहा जाता है अक्सर कि हम लोग भोजन बना लिए हैं खा लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भोजन को केवल हम लोग पकाते हैं, भोजन हम लोग बना नहीं सकते हैं। दैनिक जीवन की बोल चाल में अगर कह दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन भोजन मनुष्य या अन्य जंतु जो होते हैं वो केवल पकाते हैं, लेकिन जो हम लोग पका कर खाते हैं, लेकिन जो भोजन बनाने का जो प्रकृति में है क्षमता मिला है, तो वो पौधों को, पौधे यानी पादप जिसको हम लोग कह रहे हैं, पादप में ही वह क्षमता होती है जो भोजन वो बनाते हैं। और भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है आप लोग जानते भी होंगे, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि पोषण के आधार पर, पोषण क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, पोषण क्या है। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की
विधि को, इसके उपयोग की विधि को, विधि को पोषण खाते खाते हैं। ये हो गया पोषण। क्या है? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी इसके द्वारा यही पोषण होता है। पोषण के आधार पर भी, पोषण के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया गया, सजीवों का वर्गीकरण किया गया। जैसे जो स्वयं पोषण, जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, यानी पादप ही या पादप ही आएंगे इसके, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और ये जो विधि होती है स्वपोषण, पोषण भी दो प्रकार का होता है, इसको हम डिवाइड करें। पोषण, पोषण को तो ये दो प्रकार का हो गया। एक हो गया स्वपोषण, स्वपोषण हो गया, और एक जो हो गया दूसरा स्वपोषण, और एक हो गया विषम पोषण। विषम पोषण, स्वपोषण क्या है और विषम पोषण क्या है? पोषण जानी गए, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जिन जीवों में स्वपोषण होता है, स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण की परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें, पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन का संश्लेषण, इसमें हम लिख सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण करता है, तो यह जीव जो है केवल आपके पादप ही आ सकते हैं। और जिसमें दूसरा है विषम पोषण, ऐसा पोषण जिसमें दूसरे पर डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, वो विषम पोषण कहलाता है। इसमें विषम पोषी आते हैं। तो विषम पोष, इसके उदाहरण क्या है? स्वपोषण का तो आपके पादप आ जाएंगे, और विषम पोषण में ये जो विधि जो अपनाते हैं, तो इसमें आपके जंतु पादप भी कुछ आते हैं। बहुत से ऐसे पादप हैं दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, जिनमें हरित लवक नहीं होता है वो दूसरे पादप पर ही निर्भर रहते हैं। तो वो विषम पोषण ही करते हैं, यानी विषम पोषी वो हुए और आपके स्वपोषी हुए। स्वपोषी में कौन हो सकते हैं? आपके जंतु हैं, जंतु कह रहे हैं ये पादप हो गए। स्वपोषण में हो जाएंगे आपके पादप। पादप जो है अधिकतर आपके ये स्वपोषण में हो गए। विषम पोषण में, विषम पोषण में और जो स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। ये पादप जो है आपके क्या हो गए, इसको हम कहेंगे स्वपोषी। जो ये पोषण जिनमें होता है, जिनमें स्वपोषण की विधि अपनाते हैं या जिन जो स्वपोषण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, ये स्वपोषी कहलाएंगे। इन्हें हम कहते हैं विषम, विषम ओ ये विषम पोषी कहलाते हैं। स्वपोषी हो गए, स्वपोषण करने वाले जीव स्वपोषी हो गए, और विषम पोषण करने वाले जीव विषम पोषी हो गए। इसमें आपके पादप आते हैं, इसका जो है, इसमें जो है इसमें आपके जंतु आ जाएंगे, इसमें जंतु और कुछ पादप भी आ जाएंगे जिनमें हरित लवक न हो। तो ये जो इसके उदाहरण मैंने लिख दिया, स्वपोषी, पोषण आप जान गए,
और श्लोक उसी किसे कहते हैं, ये भी आप जान गए। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, स्वपोषी यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई भी सजीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, तो इस पोषण को हम कहते हैं आपका स्वपोषण। स्वपोषण और जो इसको करता है उसे हम स्वपोषी, जैसे आपके पादप हो गए। विषम पोषण यानी कि जो आप पोषण की ऐसी विधि है जिसमें ये दूसरे पर डिपेंड हो अपने भोजन के लिए, तो उसे हम विषम पोषण कहेंगे ऐसे विधि को। और ये हो गए आपके ऐसे करने वाले कर्ता को हम विषम पोषी कहेंगे, जैसे जंतु और अधिकतर अबिना हरित लवक वाले पादप भी आ जाएंगे इसमें। तो आप जान चुके हैं पोषण के बारे में, तो हमको अब पढ़ना है कि पादपों में जो अभी आप जो पढ़े हैं, तो ये जो स्वपोषी पढ़ रहे हैं, पादप स्वपोषी होते हैं जो हरित लवक होते हैं जिनमें पाया जाता है, तो पादपों में पोषण कैसे होता है, ये कैसे करते हैं, और इनके आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, कितने प्रकार के पोषण के आधार पर भी वर्गीकरण होगा, तो अब हम जानने का प्रयास करें कि पादपों में पोषण कैसे होता है। अब यहाँ तक हम लोगों को हमको ख्याल है कि आप लोग जान चुके होंगे कि पादप क्या है और पोषण क्या है, पोषण की विधियाँ क्या है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि पादपों में पोषण क्या होता है। चलिए, पादपों में जो पोषण होता है, पादपों में पोषण, तभी मैंने बताया कि पादपों में पोषण, पादप क्यों स्वपोषी होते हैं, क्या कारण है, और स्वपोषी में किस आधार पर उनको स्वपोषी कहा गया है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए समझने का, कि वो भी अपना भोजन बना लेते हैं और हम भी यह कह सकते हैं कि हम लोग भी जो है, या हम लोगों के घर की जो महिलाएं हैं अपना सब्जी है कोई भी चीज़ है, वो लोग इतना करने के बाद उसको बनाती हैं, पकाती हैं, कह देते हैं। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो जो पादप होते हैं ये मिट्टी से खनिज लवणों द्वारा, तत्वों द्वारा ये अपने जटिल पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं जो जीवों के लिए आवश्यक है। लेकिन हम जो होते हैं या जंतु जो हैं, इन इतने जटिल का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये पादप पर ही डिपेंड रहते हैं, और ये पादप जो है सरल पदार्थों से अपने लिए जटिल पदार्थ हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, दूसरे जंतुओं के लिए भी ये क्या करते हैं, पदार्थों का निर्माण कर देते हैं, भोज्य पदार्थों का। इस कारण ये स्वपोषी कहलाते हैं। और मनुष्य हो चाहे अन्य जंतु हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वह जो है पादपों पर ही निर्भर रहता है। अब इसको और विस्तार करेंगे, अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और यही विशेषता है प्रकाश संश्लेषण ही जो पादप को स्वपोषी बनाता है, पादप को हम स्वपोषी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कोई भी पादप, कोई भी हरा पौधा है तो वह भोजन का निर्माण करता है, और भोजन के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पादपों में, पादपों
पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रकरण है। खाद्य संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, प्रकाश संश्लेषण खाद्य पदार्थों में पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, विधि है, तरीका है, इसको हम कह सकते हैं। तो अब हम इसके पहले जाने का प्रयास करेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो इसके लिए हम एक पौधे बनाते हैं, और ये मान लीजिए सूर्य की रोशनी है, ये हरी पत्ती है, हरी पत्ती है, ये आपका जड़ हो गया, जड़ हो गया जड़। चलिए किसी भी पौधे के, सबसे पहले हम पौधे के बारे में जाने, यानी पादप के बारे में जाने, पादप के बारे में। तो पादप के जो भाग होते हैं, पादप के भाग, तो पादप के मुख्य रूप से हम भाग करें तो एक आपका जड़ आ जाएगा, तना आ जाएगा, पत्ती आ जाएगी। जड़, तना, पत्ती और भी भाग आ जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये पहले आपका होना चाहिए। पुष्प भी आते हैं, कली भी आती है, लेकिन ये पहले तो पौधा विकसित होगा, उसके बाद क्या बात हुआ। तो हम पत्तियों के बारे में देखें, जो जड़ है, जड़ जो है पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखने का काम करता है। एक काम यह हो गया। दूसरा काम है कि जितने भी खनिज लवण है, पौधे का तो हाथ पैर है नहीं, इसी के द्वारा जो है वह खनिज लवणों का यह ले करके, और तना द्वारा, ये तना आपका हो गया, तना द्वारा जो है पत्तियों में पहुंचा दिया जाता है। तो पत्तियां जो होती हैं, इसको विज्ञान में इसको फैक्ट्री भी बोला जाता है। किस चीज का फैक्ट्री? भोजन बनाने का। जैसे फैक्ट्रियों में भोजन का निर्माण होता है, फैक्ट्रियों में किसी पदार्थ का निर्माण होता है, उसी तरह इसमें भोजन का निर्माण होता है। पत्तियां जो भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं, भोजन निर्माण के लिए। जैसे अपना घर में किचन है जिसमें भोजन बनता है, उसी तरह पत्तियों, पौधों में, पादपों में पत्तियां जो हैं एक किचन का काम करती हैं। या फैक्ट्री है तो फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है, उसी तरह ये फैक्ट्री है जिसमें भोजन का उत्पादन होता है। अब भोजन का निर्माण कैसे होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण हम किसे कहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियां, कोई भी पादप की हरी पत्ती है सूर्य के प्रकाश में, इधर हम प्रकाश को डिनोट कर दे रहे हैं, प्रकाश। तो हरी पत्त, हरा कोई भी पादप है उसकी हरी पत्तियां, और भूमि से जो जड़े हैं ये खनिज लवण ले करके
अब पत्तियों में जाते हैं और पत्तियां जो हैं सूर्य के प्रकाश में इस खनिज लवण को लेकर के, पत्तियों में एक होता है ये हरी क्यों होती हैं, इसमें एक खनिज इसमें एक हरित लवक होता है, तो पत्तियों में हरित लवक की उपस्थिति होती है और इस हरित लवक के कारण सूर्य के प्रकाश में ये जड़ों से जो खनिज लवण जा रहा है तो इसमें आ करके और ये जो है मिल करके और भोजन का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जो भोजन का निर्माण होता है तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखें लिख सकते हैं कि हरे पादप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादप, इसको हम हरी पत्तियां लिख सकते हैं, हरी पत्तियां यानी हरे पादप के हरी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों से खनिज लवण लेकर जड़ों के द्वारा भूमि से खनिज लेकर भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण कहलाता है ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, बिना प्रकाश की उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। पत्तियां भी हरी होनी चाहिए, जड़ों द्वारा खनिज लवण आना चाहिए, तब जाकर ये प्रकाश संश्लेषण होता है। और इसमें जो है अगर दिखाने कोशिश करें तो इसमें क्या बनता है ये बता चुके हैं कि इसमें क्या बनता है, क्या चीजें होती हैं, इसको हम दिखा भी सकते हैं। जैसे आप इसमें दिखा सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ एक चीज और छूट रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हरी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों के द्वारा भूमि से खनिज लवण लेकर तथा वायुमंडल से CO2 लेकर वायुमंडल से ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड,
हरी पत्तियां प्रकाश के उपस्थिति में जड़ों के द्वारा भूमि से खनिज लेवर तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसको हम लिख सकते हैं समीकरण के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, और ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये होता है। उपस्थिति किसकी चाहिए? प्रकाश की उपस्थिति चाहिए, प्रकाश चाहिए, और उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये चीजें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार और देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, यानी इसके भोजन बनाने की एक विधि है। होता क्या है, हरी पत्तियां यानी हरे पादप की प्रकाश के उपस्थिति में जड़ों के द्वारा भूमि से खनिज लवण लेकर तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है सूर्य के प्रकाश में, और क्लोरोफिल जो हरित लवक कहलाता है, इसको हम बोल सकते हैं जो पत्तियों में मौजूद है, हरी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है। यही ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में चला जाता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जानवर उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो जंतुओं द्वारा छोड़ा जाता है तो ये पौधे उपयोग करते हैं। अब केवल प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो ये आप हमको आशा है कि आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ चुके होंगे। अब इसके बाद अब हम प्रकाश संश्लेषण समझ चुके हैं, थोड़ा हम पौधों के बारे में थोड़ा जान जाएं तो बेहतर रहेगा, कैसे वो काम करते हैं, कैसे क्या होता है। तो पादप के बारे में थोड़ा जानें, इसके भागों के बारे में, पादप के भाग। अब पादप के जो भाग होते हैं, मुख्य भाग, इसको हम लिख दे रहे हैं मुख्य, मुख्य भाग। पादप के मुख्य भाग क्या है? पादप का मुख्य भाग हम अभी फिलहाल तीन मान रहे हैं मुख्य भाग, जो एकदम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है उसके लिए। सबसे पहले उसको हम जड़ से लेते हैं, आपका जड़ हो गया, फिर उसके बाद हम तना ले लेते हैं, तना हो गया, फिर उसके बाद हम पत्ती ले लेते हैं, पत्ती। जड़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तीनों चीजें हो गई, पादप के मुख्य भाग में जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई। अब जड़ के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि कोई पादप है
कोई पादप है, तो ये जो पादप है इसकी जो जड़ें हैं, जैसे मान लीजिए इसकी जड़ें जो मैं मान ले रहा हूँ, इसकी जो जड़ है, तो जड़ों के आगे एक रोएं के समान संरचनाएं होती हैं, रोएं के समान, जिसको मूल गोप कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। मूल गोप होता है ये आगे की संरचना, और इसी को मूल गोप पर छोटे छोटे ये रोएं जैसी संरचनाएं होती हैं, इसको हम कहते हैं ये आपका जड़ हो गया। अब जड़ में ये मूल गोप हो गया, मूल गोप, और ये हो गया मूल ये मूल रोम हो गया, ये जड़ के एक तरह से भाग है। तो मूल रोम का क्या कार्य है, आपके किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं बताने का इसको चाहूंगा कि आप लोग जानें कि जड़ में ये जो थोड़े से मुख्य भाग के बारे में थोड़ा विश्लेषण किया है, तो जड़ के बारे में पता ही है। जड़ के बारे में क्या है, जड़ इसके बारे में जान जाइए। सामान्य परिभाषा, जड़ किसी पादप का वह भाग होता है, जड़ ये आपका जो जड़ है किसी पादप का वह भाग है, जड़ किसी पादप का वह भाग जो जो सामान्यतः सामान्यतः भूमि के अंदर रहता, भूमि के अंदर रहता है, और पौधे और पौधे यानी पादप को खनिज लवण एकत्रित करता है। ये आपका जड़ है, ये एकत्रित करने का काम करता है। तना क्या है, तना जो है ये खनिज लवण जो एकत्रित है उसको जो है खनिज लवण जो तना जो है जो खनिज लवण एकत्रित है उसको पौधे के जो पत्तियां हैं उसमें पहुंचाने का कार्य करता है। तो पत्तियों में जब ये खनिज लवण जाता है तभी प्रकाश संश्लेषण पूर्ण होता है। तो तना हम परिभाषा कर देना चाहें तो तना पौधे का वह भाग होता है जो पौधे को सीधा रखने में सहायता करता है, और खनिज लवण का ये संवहन करता है, भोजन का संवहन करता है, इसका ये तना का ये कार्य है। पत्ती का अगर हम परिभाषा दें तो पत्ती को हम कह सकते हैं कि पत्ती पौधे का वह प्रमुख भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है प्रमुख रूप से, ये पत्ती की परिभाषा हम दे सकते हैं। पत्ती के भी अभी आप लोगों के पाठ में यही सामान्य परिभाषाएं दी गई हैं, मुख्य रूप से मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता दिया। और